वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस कारण प्रदेश के कई इलाकों के लोग सदमे में जीने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में हाथियों के हमले को देखते हुए एक बार फिर लोग सहम उठे हैं। ये आप कोरबा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रेत से भरी ट्रैक्टर को छोड़कर ड्राइवर भाग गया, क्योंकि गुस्साए हाथी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद हाथी ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ कर दी और फिर दूर से ही ड्राइवर ने खुद ही हाथियों के हमले का ये वीडियो बनाया है। कटघोरा वनमंडल के कोरबी सर्किल का ये पूरा मामला है। हाथियों के हमले से लोगों में दहशत। कोरबा में हाथियों के झुंड ने मवेशियों पर हमला किया। हमले में 12 जानवरों की मौत हो गई। कई गांव में हाथियों के कारण दहशत। 55 हाथियों का झुंड जंगल के बाहर निकला। तो आइए ये भी बताते चलते हैं कि आखिरकार हाथी जानलेवा कैसे होते जा रहे हैं। चुनाव के दौरान हाथियों ने ली जान। घर से निकले मतदाता को हाथियों ने मार डाला। हाथियों की भीड़ देखकर रुक गया था मतदाता। 25 वर्षीय उमेंद्र सिंह की हुई थी मौत। 17 नवंबर को हाथियों ने किया था हमला। कोरिया वनमंडल के खड़गवा परिक्षेत्र का मामला। मंगोरा गांव में हाथियों ने किया था हमला। बबनी नदी और हसदेव नदी के संगम पर पहुंचे थे हाथी। डीएफओ प्रभाकर खलखो ने परिजन को दी थी आर्थिक सहायता। धनतेरस के दिन हाथियों ने किया था हमला। मरवाही के उषाढ़ बीट गांव में मचाया था उत्पात। किसान दंपति पर भी हमला किया था। किसान की मौके पर ही मौत हो गई थी। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसी तरह सूरजपुर के दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर में भी हाथियों का आतंक लगातार जारी है, जहां पर किसानों के फसलों को रौंद दिया गया है। 6 से अधिक किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया गया। रात भर हाथियों को भगाने की कोशिश की गई, फिर भी नाकाम रहे। वन अमले की कोशिशें भी काम नहीं आ रही। 35 हाथियों का दल कई दिनों से इस इलाके में विचरण कर रहा है। कोरबा से विजय दुबे के साथ सूरजपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट।